नमस्कार दोस्तों, करीब 3000 सालों से धरती पर एक भयंकर वायरस ने आतंक मचा रखा था। इस वायरस से एक ऐसी बीमारी होती थी जो इतनी दर्दनाक थी, इतनी जानलेवा थी कि अगर आपको ये हो जाए तो आपके मरने का चांस था 30%, यानी हर 3 में से एक इंसान इससे मारा जाता। जो लोग जिंदा बचते उनमें से कईयों की बॉडी पर परमानेंट स्कार्स रह जाते, चेहरे हमेशा के लिए खराब हो जाते उनके, बड़े बड़े दाग और धब्बे देखने को मिलते और बहुत से लोग परमानेंटली अंधे भी हो जाते। ये बीमारी जब साल 735 AD में जापान में फैली तो जापान की एक तिहाई पॉपुलेशन का सफाया हो गया। साल 1500s में जब यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इस बीमारी को लेकर मेक्सिको और अमेरिका में पहुंचे तो वहां की 90% नेटिव ट्राइबल पॉपुलेशन, जो आदिवासी लोग थे, खत्म हो गए। 18 सेंचुरी में रशिया में पैदा होने वाला हर 7वां बच्चा इस बीमारी की वजह से मारा जाता। इतिहास में ढेरों एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस का सफाया हो गया इसकी वजह से। एस्टिमेट किया जाता है कि हर साल 5 मिलियन लोग दुनिया भर में मारे जाते थे। 100 साल के टाइम फ्रेम में 500 मिलियन डेथ्स, यानी आधा बिलियन लोग मारे गए। हाल ही में हुआ COVID-19 का पैंडेमिक इस बीमारी के सामने एक बहुत बड़ा मजाक लगता है। थ्रू आउट द हिस्ट्री से कई नामों से पुकारा गया, स्पेकल्ड मॉन्स्टर, द रेड प्लेग, पॉक्स, इंडिया में इसे कहते थे माता लगना, लेकिन शायद से सबसे कॉमन नाम था इसका स्मॉल पॉक्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1700s के टाइम में जब इस डिजीज ने दुनिया भर में आतंक मचा रखा था, इंग्लैंड में दूर कहीं एक छोटा सा गांव था जहां काम करने वाले किसानों को ये बीमारी कभी नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, मानो ऐसा लगता था कि वहां रहने वाले किसानों के पास कोई सुपर पावर थी जो उन्हें इस भयंकर वायरस से प्रोटेक्ट करके रखती थी। Smallpox emerged in human populations thousands of years ago as a contagious virus that spread rapidly. Smallpox is the most formidable and devastating disease in human history. Before vaccination came along, smallpox was one of the biggest killers and mutilators of mankind. Smallpox vaccination has been the one agent which has been responsible for eradicating smallpox from large areas of the world. It's a true monster. स्मॉलपॉक्स दोस्तों एक वायरल बीमारी थी जो वेरियोला वायरस की वजह से होती थी। ये एक टाइप का ऑर्थोपॉक्स वायरस था। सेम कैटेगरी में आपको सुनने को मिलेंगे मॉन्की पॉक्स, काउ पॉक्स, ये सब भी ऑर्थोपॉक्स वायरस हैं। और स्मॉलपॉक्स एक बहुत बहुत कंटेजियस डिजीज था, बहुत ही आसानी से फैलता था। कोई छींक मार ले या कोई खांसी करे तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं उससे फैल सकता था। एक इंसान का जो थूक है, सलाइवा से फैल सकता था। फिर जो स्किन पर रैशेज होते थे उनसे फैल सकता था। कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसिस से भी, अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान का टावल, बेडशीट्स या कपड़े इस्तेमाल करते। और एक बार ये आपको हो जाता तो शुरुआत में जो सिम्टम्स होते वो ऐसा लगता कि नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी पर दाने आने लग जाते। ये दाने कुछ टाइम बाद बॉयल्स में बदल जाते हैं, हिंदी में इन्हें फफोले कहोगे। एक इंसान का पूरा चेहरा और पूरी बॉडी इन्हीं बॉयल्स से भर जाती है। ये एक बहुत ही डिसगस्टिंग चीज है डिस्क्राइब करने के लिए, तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना ही कोई आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि एक्चुअली में दिखता कैसा था। आप देखना चाहेंगे तो वीडियो खत्म होने के बाद आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि एक स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड इंसान दिखता कैसा था। इन्फेक्ट होने के बाद सिर दर्द, उल्टी आना, रैशेज हो जाना और फीवर आने के करीब 8 से 16 दिन बाद एक इंसान की मौत हो जाती थी। जैसा मैंने बताया, 30% डेथ रेट था। अगर आप इसे COVID-19 से कंपेयर करोगे, उसका 1% से भी कम डेथ रेट है। और भी खौफनाक चीज ये थी कि ये बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करता था और बच्चों के मरने के चांसेस और भी ज्यादा होते थे। इतिहास में ये बीमारी शुरू कहां से हुई थी, कैसे हुई थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि करीब 10,000 BC के अराउंड जब इंसानों ने पहली बार एग्रीकल्चर करना शुरू किया था, अफ्रीका में पहली खेती की सेटलमेंट्स देखने को मिली थी, इंसानों ने जब डोमेस्टिकेशन करनी शुरू करी गाय, भैंस, मुर्गी जैसे जानवरों की, तब इंसानों का एक बहुत लंबे समय के लिए कॉन्टैक्ट बना इन जानवरों से। और ये ऑर्थोपॉक्स वायरसेस आमतौर पर इन्हीं मैमल्स में पाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि वहीं कहीं से आया होगा। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये चूहों जैसे जानवरों से भी आ सकता है, लेकिन इस बीमारी का सबसे पहला एविडेंस साल 1156 BC में मिला, जब एक एंशियंट इजिप्शियन ममी जो है उनकी बॉडी दफनाई गई थी और सिर पर एक्चुअली में वही सेम दाग देखने को मिले जो स्मॉल पॉक्स से आते हैं। इंडिया और चाइना के प्राचीन ग्रंथों में भी इसका मेंशन किया गया है। एक संस्कृत टेक्स्ट है, सुशुत्र संहिता, 6th century BC के राउंड, उसमें भी इसकी बात करी गई है। उस समय से लेकर आज तक हमें इस जानलेवा बीमारी का कोई इलाज नहीं पता। मॉडर्न मेडिसिन के पास भी कोई क्योर नहीं है स्मॉल पॉक्स का आज के दिन तक। लेकिन एक चीज जरूर है, बहुत लंबे समय से लोग एक्चुअली में इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट समझते थे। लोग ये देखते थे कि जिन
लोगों को ये बीमारी हो जाती थी उन्हें दोबारा कभी नहीं होती थी। तो इतिहास में कई डॉक्टर्स ने सोचा कि इस बीमारी से बचने का एक तरीका हो सकता है कि इससे पहले बीमारी आपको इन्फेक्ट कर दे, क्यों ना आप इस वायरस की एक छोटी सी डोज लेकर आप खुद ही को इन्फेक्ट कर दो। इससे आप बीमार हो जाओगे लेकिन शायद आप मरोगे नहीं होपफुली, और बाद में फिर कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इनोक्यूलेशन, और एक्चुअली में माना जाता है कि ये इंडिया या चाइना में कहीं इसका ओरिजिन हुआ। 18th सेंचुरी के अराउंड ब्राह्मण्स का एक ग्रुप जिन्हें टीकादार बुलाया जाता था वो इस इनोक्यूलेशन को करते थे। वो क्या करते थे, इन्फेक्टेड लोगों की जो स्किन होती थी उससे स्कैब्स निकालते थे जो पापड़ी सी बन जाती है ये डिजीज होने के बाद। फिर वो जो हेल्दी इंसान है उसके हाथ पर कुछ खरोंच मारते थे आयरन नीडल्स से, और फिर वो इन्फेक्टेड स्कैब्स जाकर उस स्किन पर लगा देते थे। 11th सेंचुरी चाइना में इससे भी पुराना मेंशन किया गया है इनोक्यूलेशन का, जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो पहाड़ियों में रहते थे टिबेट की, वो इन स्कैब्स को कलेक्ट करते थे, पाउडर बना देते थे उनका, और एक हेल्दी इंसान की नाक में फूंक मारकर अंदर पहुंचा देते थे। इंडिया और चाइना से फैलकर ये टेक्निक्स ऑटोमन एम्पायर तक पहुंची और फिर बाद में यूरोप तक पहुंची। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस इनोक्यूलेशन के प्रोसीजर में। क्या गारंटी है कि ये जो थोड़ी सी मात्रा में हम वायरस को लेकर लोगों को इन्फेक्ट करने लग रहे हैं इससे लोग एक्चुअली में मर नहीं जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि 1-2% लोग मारे भी जाते थे इनोक्यूलेशन की वजह से, उन्हें लिटरली स्मॉल पॉक्स हो जाता था और वही चीजों की वजह से मारे गए। लेकिन बात यह थी कि 30% डेथ रेट से अच्छा था कि 1-2% ही डेथ रेट हो, तो बहुत से लोग प्रेफर करते थे कि वो इनोक्यूलेट हो जाए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि जो लोग इनोक्यूलेट होते थे उनकी बॉडी पर ये परमानेंट स्कार्स रह जाते थे, अक्सर चेहरे पर ये दिखता था। तीसरी प्रॉब्लम, ये कंटेजियस होते थे, वायरस को और ज्यादा फैला रहे होते थे दुनिया में। अब 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में दूर एक गांव था ग्लॉस्टर शायर नाम से, वहां एक बड़ी ही मिस्टीरियस सी चीज पाई गई। वहां काम करने वाले जो किसान, कैटल ब्रीडर्स और मिल्कमेड्स थे उनको कभी भी ये स्मॉल पॉक्स का डिजीज नहीं होता था। साल 1795 में एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने इस चीज को सुना और इन्वेस्टिगेट करने की सोची। उन्होंने जब गांव में रहने वाले लोगों से बात करी तो गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि भाई हम में से जिन सबको काउ पॉक्स हो जाता है उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। काउ पॉक्स एक और बीमारी थी लेकिन स्मॉल पॉक्स जितनी जानलेवा नहीं थी। जेनर ने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि काउ पॉक्स होना ही एक प्रिवेंशन है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट? अगर ऐसा है तो ये तो एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन हो सकता है स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। एक ही तरीका है जांचने का, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए और साबित किया जाए। मई 1796 में एक सारा नाम की औरत जिन्हें काउ पॉक्स हो रखा होता है वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर के पास जाती है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर जेनर क्या करते हैं, उनकी खाल से जो बॉयल्स हो रखे होते हैं उसका पस निकाल लेते हैं और अपने पास अलग से रख लेते हैं। वो देखते हैं कि यही मौका है अपनी थ्योरी टेस्ट करने का। लेकिन किस पर टेस्ट करी जाए ये थ्योरी, किसी को बकरा बनना पड़ेगा यहाँ पर। तो डॉक्टर जेनर का जो माली होता है उसका एक 8 साल का बेटा था जेम्स नाम से। जेनर ने उस बच्चे को बुलाकर उसके हाथ पर एक खरोच मारी और जान पूछकर उसे काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। कुछ दिन बाद उस बच्चे को फीवर हो जाता है काउपॉक्स की वजह से, लेकिन वो रिकवर कर जाता है। और इसके करीब 6 हफ्ते बाद डॉक्टर जेनर स्मॉल पॉक्स के लीजन्स को लेते हैं और अब जाकर जबरदस्ती उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कर देते हैं। आज के जमाने में बच्चों पर इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना ना सिर्फ मॉरली गलत है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। लेकिन वो जमाना कुछ और था, उस समय इस तरीके के मॉरल्स और कानून नहीं होते थे। जबरदस्ती एक बच्चे को स्मॉल पॉक्स देना बहुत हाई चांस था कि वो मर जाता, लेकिन थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं। उस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स को लेकर इम्यूनिटी आ गई थी। इस एक्सपेरिमेंट ने ना सिर्फ ये साबित कर दिया कि काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स को होने से रोक सकता है बल्कि ये भी कि काउ पॉक्स को हम डेलिबरेटली ह्यूमन टू ह्यूमन फैला सकते हैं। इसका मतलब ये था दोस्तों कि डॉक्टर जेनर ने दुनिया की पहली वैक्सीन को इन्वेंट कर दिया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन, और ये जो बच्चा था इस पर दुनिया की पहली वैक्सीन लगाई गई। एक्चुअली में जो वैक्सीनेशन शब्द है इसे भी डॉक्टर जेनर ने ही बनाया था। ये एक लैटिन शब्द से आता है वैक्सा, जिसका मतलब होता है काओ। तो क्योंकि ये काओ पॉक्स देना उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने लग रहा था, यहीं से ही ये वैक्सीनेशन शब्द निकल कर आया। आज के दिन ऑब्वियसली वैक्सीनेशन शब्द का मतलब और ब्रॉड बन चुका है। हम सिर्फ काओ पॉक्स की वैक्सीन के लिए नहीं इसे इस्तेमाल करते बल्कि हर तरीके की वैक्सीन के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीनेशन कराना इनोक्यूलेशन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सेफ था। वो जो 1-2% मरने का रिस्क था इनोक्यूलेशन में वो भी अब खत्म हो जाता था। काउपॉक्स से मरने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे।
आज के दिन हम जानते हैं कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है। काउपॉक्स और स्मॉलपॉक्स दोनों वायरसेस ऑर्थोपॉक्स वायरसेस की फैमिली से आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इतने सिमिलर हैं कि जब हमारे इम्यून सिस्टम को काउपॉक्स इन्फेक्ट करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है जब भी कोई दूसरा इसी से ही मिलता जुलता वायरस आता है, जैसे कि स्मॉलपॉक्स। और जो एंटीबॉडीज डेवलप करी है हमने पिछले इन्फेक्शन से फाइट करते हुए, वो अब इसके अगेंस्ट यूज करी जा सकती है और हमारी बॉडी जिंदा बच सकती है। वैसे रिसेंटली एक और ऑर्थोपॉक्स वायरस आज के दिन दुनिया में काफी ज्यादा फैलने लग रहा है, जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, मंकीपॉक्स। ये भी सेम फैमिली से आता है और थैंकफुली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये स्मॉलपॉक्स के कंपैरिजन में काफी कम सिवियर है, उतना कॉन्टेजियस नहीं है और जो डेथ रेट है यहाँ पर वो सिर्फ 3-6% है। कुछ स्टडीज में ये तक पाया गया है कि जो स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन है वो 85% इफेक्टिव है मंकीपॉक्स के लिए। अब डॉक्टर जेनर जब अपनी वैक्सीन की डिस्कवरी को लेकर दुनिया के सामने गए, आपको लगेगा कि दुनिया ने इनके लिए तालियां बजाई होंगी, वाह क्या अच्छा काम कर दिया, कितने लोगों की जान बच जाएगी इससे। लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन इसका बिल्कुल उल्टा ही था। डॉक्टर जेनर को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा, उनका सीधा सीधा मजाक बनाया गया। जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को ले जाकर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने जाकर रखा तो उनकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। जो रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने डॉक्टर जेनर को कहा कि वो अपनी रिसर्च जल्दी से जल्दी भूल जाए, लेकिन डॉक्टर जेनर अपनी बात पर डटे रहे। उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन करी और डेटा निकाला और फिर एक किताब लिखी अपनी पूरी, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द वायरोली वैक्सीन। टाइम के साथ साथ कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कन्विंस हो गए, लेकिन जनता को मनाने का काम कहीं ज्यादा और मुश्किल था। बहुत सी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई वैक्सीनेशंस के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाना एक्चुअली में भगवान के प्लान के अगेंस्ट जाता है, अननेचुरल है, हमें ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को बड़ी डिस्गस्टिंग फीलिंग आने लगी ये सोचकर कि हमारी बॉडी के अंदर एनिमल मैटर डाला जाएगा, काउपॉक्स जैसी चीज डाली जाएगी, हमें नहीं डलवानी। यूरोप में कई जगहों में लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि अगर हमने ये वैक्सीन ले ली तो हम धीरे धीरे गाय बन जाएंगे। उस समय के कई पेंटर्स और आर्टिस्ट ने इस चीज का मजाक भी उड़ाया, एक दिखाकर कि लोगों की बॉडी से काउ जैसे दिखने वाले फीचर्स निकल कर आ रहे हैं। जो लोग इनोक्यूलेशंस करते थे उन्होंने वैक्सीनेशंस का सख्त अपोज किया क्योंकि उनके धंधे पर असर पड़ रहा था। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सरकारों ने देखा कि वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं, कुछ सरकारों ने मैंडेटरी बनाना शुरू कर दिया। साल 1853 में इंग्लैंड पहला देश बन गया जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशंस को कंपलसरी बनाया, एटलीस्ट बच्चों के लिए। यहां से शुरुआत हुई पहले एंटी वैक्स मूवमेंट्स की। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स उभर कर आए जो वैक्सीनेशन के सख्त खिलाफ थे। डॉक्टर जेनर के लिए चैलेंज यहां पर यह भी था कि वैक्सीनेशंस को बाकी दुनिया तक पहुंचाया कैसे जाए, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए। जिन देशों में कोई काउपॉक्स देखने को ही नहीं मिलता वहां क्या होगा, हमें किसी तरीके से काउपॉक्स को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। तो तीन मेन मेथड इन्होंने डेवलप किए। पहला था कि ये सिंपली एक धागे को लेते थे, लंबा सा धागा, उसे पस में डालकर गीला करते थे और फिर सूख जाता था जब ये, इसे ट्रांसपोर्ट करते थे जहाजों में ले जाकर। और जो हेल्दी लोग हैं उन्हें कहते थे कि अपने ऊपर एक खरोंच मारो जहां से कहीं से खून निकल रहा हो और फिर इस धागे को ले जाकर अपने उस पॉइंट पर लगा दो। इसी तरीके से कनाडा तक ये वैक्सीन पहुंचाई गई साल 1800 में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि और लंबे डिस्टेंसेस के लिए इतना काम नहीं कर रहा था मेथड, ज्यादा देर तक ट्रैवल करना होता तो ये धागा यूजलेस बन जाता। दूसरा तरीका था कि फ्लूइड्स को ग्लास की ट्यूब्स में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जाए और वैक्स से सील कर दिया जाए। इस तरीके से बाकी यूरोपियन शहरों में, देशों में वैक्सीन को पहुंचाया गया। लेकिन तीसरा और सबसे अजीबोगरीब तरीका, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तरीका निकला एक्चुअली में, वो था बच्चों का इस्तेमाल करना। काउपॉक्स से इन्फेक्टेड बच्चों को जहाजों में बिठाया जाता था, दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था ताकि ये वहां जाकर और लोगों को काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दें। ये भी किया जाता था कि सेम जहाज पर कुछ हेल्दी लोग भी होते थे और डॉक्टर्स भी होते थे जो धीरे धीरे करके उन हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट करते थे काउपॉक्स से। जब तक जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता धीरे धीरे करके और लोगों को वैक्सीनेट किया जाता और कोई तो होता जो रिसेंटली वैक्सीनेट किया गया है और जिसके पास काउपॉक्स का पस मिल सके। इंडिया में काउपॉक्स की पहली वैक्सीन पहुंचती है मिडिल ईस्ट के थ्रू साल 1802 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जितने बड़े और गरीब देश में हर इंसान तक ये वैक्सीन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। अगले 150 सालों में भी इंडिया में वैक्सीन जनता तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से साल 1974 में एक भयानक आउटब्रेक देखने को मिलता है इंडिया में स्मॉलपॉक्स का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज्यादातर दुनिया में एटलीस्ट 80% वैक्सीनेशन कवरेज ऑलरेडी हो चुकी थी। इसे कई साल पहले साल 1958 में सोवियत यूनियन के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस किया था कि एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च करी जाए दुनिया भर से स्मॉलपॉक्स खत्म करने की। उसी साल ऑफिशियली प्रोग्राम लॉन्च किया गया दुनिया भर में ये वैक्सीन दूर दूर तक पहुंचाने का। लेकिन इंडिया एक मेजर प्रॉब्लम एरिया था। हमारी सरकार ने नेशनल स्मॉलपॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम साल 1962 में लॉन्च किया था,
बहुत सा पैसा स्पेंड किया वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करने में, और 1966 तक करीब 60 मिलियन लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके थे। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था, नंबर्स बड़ी तेजी से बढ़े जा रहे थे। और साल 1974 में सबसे भयानक स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक देखने को मिला इंडिया में। 5 महीनों के अंदर अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और दुनिया भर में 86% स्मॉल पॉक्स के केसेस सिर्फ इंडिया से आ रहे थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। कई कारण थे इसके पीछे। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इंडिया में लोग कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल रीजंस की वजह से। मीडिया की पेनिट्रेशन ज्यादा नहीं थी तो आखिरी इंसान तक ये खबर पहुंचाना कि वैक्सीन लगवा लो बहुत मुश्किल था। जो टीकादार थे जिनका लाइवलीहुड इनोक्यूलेट करने पर डिपेंड करता था, वो इसके खिलाफ कई समय से प्रोटेस्ट करने लगे थे। बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि ये स्मॉल पॉक्स डिजीज एक्चुअली में फैलता है शीतला देवी जब गुस्सा होती हैं तो वैक्सीन लगवाने की जगह उन्हें लग रहा था इसका समाधान है कि मंदिरों में जाकर शीतला देवी की पूजा करो। सुपरस्टिशन बहुत फैला हुआ था। कई रिलीजियस लोगों ने इसलिए भी रिजेक्ट किया वैक्सीन को क्योंकि ये गाय से आ रही थी। एक और पॉइंट ये था कि 1970s में वैक्सीन लगवाने के जो तरीके थे वो बड़े पेनफुल थे, दर्द होता था वैक्सीन लगवाते हुए, और फिर गर्मी की वजह से इंडिया में जो वैक्सीन थी वो खराब हो जाती थी। इन्हीं कारणों की वजह से साल 1970 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने साथ में एक नया प्लान बनाया इस वायरस को इंडिया से खत्म करने का। 1971 में 4 WHO मेडिकल ऑफिसर्स की टीम इंडिया में आई और एग्रीमेंट के साथ इंडिया ने पहली फ्रीज ड्राइड वैक्सीन को एक्वायर किया, जिनकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन करना काफी ज्यादा आसान था। नई वैक्सीनेशन टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो इतनी पेनफुल नहीं थी। देश के कोनों कोनों तक टीम को भेजा गया ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके, स्पेशली बच्चों को, कि ये वैक्सीन लगवा लो, बहुत जरूरी है। हर जगह पोस्टर छापे गए जो वैक्सीनेशंस को इनकरेज करते थे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सिटीजंस को कोऑपरेट करने को कहा और लोगों को 100 रुपए का इनाम भी दिया जाने लगा अगर वो स्मॉल पॉक्स के केसेस रिपोर्ट करते तो। कॉन्स्टेंटली रेडियो का इस्तेमाल करके सरकार ने लोगों को समझाना शुरू किया कि इसे लगवाना कितना जरूरी है। और फाइनली ये सारे एफर्ट्स इतने सक्सेसफुल हुए कि साल 1975 में आखिरी स्मॉल पॉक्स का केस देखने को मिला इंडिया में। उसके बाद से ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई इंडिया से। जो लोग 1975 से पैदा हुए हैं, आपके जो पेरेंट्स होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आप अक्सर देखेंगे कि उनके हाथ के यहाँ पर निशान दिखेगा, एक स्कार दिखेगा, वो इसी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का स्कार होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिमिलर कैंपेन्स चलाई अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी, और इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आखिरी नेचुरल स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन का केस साल 1977 में देखा गया सोमालिया देश में। आखिरी इंसान जो इस बीमारी की वजह से मारा गया था वो एक इंग्लिश औरत थी जो एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गई थी इस वायरस में लेबोरेटरी से। साल 1978 में हुआ था। और 1979 में दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि दुनिया भर से ये बीमारी अब खत्म हो चुकी है। दुनिया में इसके बाद से कोई भी स्मॉल पॉक्स का केस देखने को नहीं मिला है। आज के दिन अगर आपकी एज मेरे जितनी है या फिर आप साल 1980 के बाद पैदा हुए हो तो हमें ये वैक्सीन लगवाने की ही जरूरत नहीं है स्मॉल पॉक्स की, क्योंकि ये वायरस ही खत्म हो चुका है दुनिया से। इमेजिन कर सकते हो डॉक्टर जेनर के इस छोटे से आविष्कार ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल डाला। हर साल एस्टिमेट किया जाता है कि 5 मिलियन लोगों की जानें बचती हैं क्योंकि ये वैक्सीन एग्जिस्ट करती है और क्योंकि हमने इस डिजीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि इस बीमारी का इलाज हमें आज तक नहीं पता और ना ही हमें कभी ढूंढने की जरूरत पड़ी, हमने बस वैक्सीनेशन के थ्रू इसे प्रिवेंट किया और खत्म कर दिया। अब इस वायरस के सिर्फ 2 सैंपल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें 2 बहुत ही हाईली सिक्योर लेबोरेटरीज में रखा गया है। पहला अमेरिका के अंदर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक लैब है और दूसरा रशिया के अंदर रशियन स्टेट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वायरोलॉजी की लैब है जहां पर इन वायरस सैंपल्स को रखा गया है। इन्हें स्टोर करके इसलिए रखा गया ताकि और रिसर्च करी जा सके इस वायरस पर। बस डर कुछ लोगों को अभी बस इसी चीज का है कि कहीं कोई इस वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर ना कर ले, पोटेंशियली उन लैब से लीक करके यहां पर एक और आउटब्रेक ना हो जाए। लेकिन ये थी कहानी दोस्तों दुनिया की पहली वैक्सीन की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो और भी वीडियोस आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ऐसे ही और मजेदार टॉपिक्स पर।